दोस्तों, स्वागत है आपका क्राफ्ट पर मॉडल के एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं एक छोटी सी चीज़ अपने जो कि अपने घर से संबंधित है वो करने वाले हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि सारी बटने चालू करने के बाद भी कोई लाइट चालू नहीं हो रही, मतलब जो है पावर कट हो गया है। तो गाइस, जो अभी MP में गवर्नमेंट बदलने के बाद में ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग हो गया है कि रात बेरात या दिन में कभी भी लाइट जाने की समस्या शुरू हो गई है। तो ऐसे में जो हमारे पास में जो UPS या जो इन्वर्टर रखे होते हैं, हालांकि इन्वर्टर तो कभी रखा नहीं होता, UPS हमारे घर में रखे होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से एक सिंपल UPS को हम इमरजेंसी इन्वर्टर के रूप में यूज़ कर सकते हैं और उससे अपने घर की जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जैसे कि फैन हुआ या एक लाइट हुई, इसको किस तरीके से चालू रख सकते हैं बैकअप के तौर पर। तो बेसिकली कोई भी अगर UPS आपके पास में है और अगर उसमें आप बड़ी बैटरी लगा देते हैं जैसे कि मैंने लगा रखी है, तो वो एज ए इन्वर्टर ही काम कर सकता है। बस ये है कि उसमें बीप का साउंड आता है, उस बीप के साउंड से कोई अगर समस्या ना हो तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं जब तक कि लाइट ना जाए। तो उसका कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले तो हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको इस तरीके का एक 3-पिन टॉप चाहिए होगा, एक टेस्टर और कुछ प्लायर वगैरह, ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी। उसके बाद में आपको करना ये होगा कि ये वाला जो वायर जो कि UPS में गया है ये वो है, और ये एक एक्सटेंशन वायर आया है, ये जो बोर्ड आया है ये UPS से आया है। तो जैसे हम चालू करते हैं, तो जैसे हम UPS को ऑन करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ऑन कर दिया मैंने, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो चार्जर है उसमें पावर आने लगा है लेकिन लाइट नहीं है। तो हमें करना ये है कि इसमें से इसमें ये वाला 3-पिन सॉकेट हमें लगाना है और फिर इसका कनेक्शन हमें करना है। ये पंखे की लाइट है, पंखे का स्विच है, और ये है हमारे बल्ब का स्विच। तो इन दोनों से हमें कनेक्शन करना है कि जब लाइट जाए तो कम से कम एटलीस्ट दो चीज़ें इसमें चल जाए। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको मैं बंद कर देता हूँ, और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपने घर की लाइट भी बंद कर देता हूँ कि अचानक अगर लाइट आ जाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो। मेन बॉक्स से हमने सारे फ्यूजेस निकाल दिए हैं, तो यहाँ से ये जो ट्रिप है ये भी हमने गिरा दी है। तो वह सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो घर की कटआउट और वो सारी चीज़ें थी मेन हमने गिरा दिया है। अब हमें ये करना है कि सबसे पहले इस वाले बोर्ड को खोलना है, तो आइए इसको खोलते हैं। तो बोर्ड को खोलने के लिए फिलहाल हमें इन चारों नटों को खोलना होगा। गाइस, बोर्ड हमने खोल लिया है। बोर्ड को खोलने के बाद में इसके जो अंदर का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से होगा। अब जो चीज हमें करनी थी वो बेसिकली उसका जो स्विच है, एक ये वाला स्विच है जो कि पंखे का था, और जो दूसरा स्विच है वो ये है जो कि लाइट का था। तो अब हमें करना ये है कि हमें ये दोनों स्विच जो है UPS से लेना है। तो सबसे पहले तो हमें ये करना होगा कि इसकी जो लाइन है, इसकी लाइन को हम यहाँ से कट कर देते हैं। बस यहाँ पर हमें सबसे पहले ये जो वायर है, क्योंकि ये पंखे का वायर है, तो सबसे पहले हमें इसका जो मेन कनेक्शन है ये यहाँ से उड़ा देना है, और उसके बाद में ये जो इसका एक वायर है इसको मोड़ दीजिए, और फिर अब इसको यहाँ से खोल लीजिए। तो ये वायर हो गया अपना। अब जो दूसरा वायर है वो है ये वाली लाइट का, तो इसको हम खोल लेते हैं। और चूंकि अब हमें ये वाला जो वायर है ये बाईपास करना है, हमें इसमें कनेक्शन नहीं चाहिए, जो कॉमन फेस का जो वायर है ये हमें बाईपास करना है, तो इसलिए हमें इन दोनों को खोलना होगा अभी। अब इस वायर को हम यहां से बाईपास कर देते हैं।
अब आप देख सकते हैं कि ये जो लाइट वाला जो वायर है ये फ्री हो गया है। तो अब हमें करना ये है कि एक वायर यहाँ से यहाँ कॉमन करना है और उस वाले वायर को बाहर निकाल देना है। हमें इस तरीके का ये जो एक वायर है ये लेना है और इसमें दो वायरों को जोड़ देना और इन दो वायरों में से दोनों वायरों का जो जॉइंट है उसको लगा देना है यहाँ पे। और अब इसको हमें कस देना है। अब ये जो ब्लैक वाला वायर है इसको हमें यहाँ पे जोड़ देना है जो कि लाइट वाला है। तो भाई सिर्फ इतना सा कनेक्शन फिलहाल हमें इन दो चीज़ों के लिए करना है क्योंकि अर्थ कॉमन होता है जो इन्वर्टर यूपीएस या इन्वर्टर है उसमें और घर की लाइट में, इसलिए हमें सिर्फ फेस का कनेक्शन करना था। तो अभी फिलहाल हमने फेस का कनेक्शन कर दिया है। अब इसको इस बोर्ड को वापस हमें कस देना है। गाइस तो ये जो वाला जो रेड वायर है ये हमने इस बोर्ड से निकाला है। उसके बाद में ये जो 3 पिन है इसको हमें खोल लेना है। सिर्फ इसको खोल लेना है और खोलने के बाद में इसको जिस तरीके से लगता है उसी तरीके से इसको लगा देना है कि इसके वायर दिखने लगें। अभी यहाँ पे दिख रहे हैं। उसके बाद में जो अगला काम हमें करना है वो है कि हमें यूपीएस की जो बटन है उसको ऑन करना है। लाइट नहीं है, आप देख सकते हैं सारी बटनें ऑन है, लाइट नहीं है। उसके बाद में हमें यूपीएस ऑन करना है। यहाँ पर यूपीएस ऑन हो गया है। अब हमें यहाँ पर चेक करना है कि किस में करंट आ रहा है। पहले हम इसको चालू कर लेते हैं तो इसमें करंट आ रहा है और इसमें आ रहा है। उसके बाद में अब हमें यहाँ पर पंखा ऑन करना है, ये पंखे की बटन है, और इसमें चेक करना है कि किस में चलता है ये। तो आप देख सकते हैं कि पंखा जो है इससे चल रहा है, ऊपर की तरफ दिखा रहा है। तो अभी लाइट नहीं है लेकिन पंखा इससे चालू हो गया है। इसके बाद में जो पहली बटन थी उससे हमें लाइट चेक करनी है। तो गाइस लाइट भी ज़्यादा चालू हो गई है, ठीक है। अब इस बटन से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि यूपीएस जो है हमारा भी ऑन है। तो फिलहाल हमें करना ये है कि दोनों को पहले हम बंद कर देते हैं और यूपीएस को भी बंद कर देते हैं। और अब हमें याद है कि हमें इस वाले वायर से काम है तो इस वाले इसको हम निकाल लेते हैं और इस वाले वायर को इसमें हमें जोड़ देना है। और अब इसको इसका जो कैप है वो भी हमें लगा देनी है। और इनमें से किसी भी एक जो 3 पिन है उसमें इसको लगा देना है। ये हमने लगा दिया है। अब इसको हम एक बार फाइनली चेक कर लेते हैं। हमें यहाँ से पहले यूपीएस ऑन करना है। आप देख सकते हैं बीप आ रही है, मतलब अभी लाइट नहीं है। और लाइट नहीं की कंडीशन में हम जैसे फ़ैन को ऑन करते हैं तो फ़ैन भी चल रहा है और ये लाइट भी ऑन हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से भी हमने कनेक्शन किया है, लेकिन अभी ये कनेक्शन पूरा नहीं है। अभी हमें वहाँ जो हमारा पावर बोर्ड है वहाँ पर जाना है और ये जो कनेक्शन है इसको ऑन करना है। तो अभी ये यूपीएस ऑन है तो जैसे ही लाइट आएगी वैसे ही यूपीएस जो है बैटरी मोड से और एसी मोड पे आ जाना चाहिए तो ये कनेक्शन पूरा हो जाएगा। तो मैं अभी जाता हूँ और चेक करता हूँ, जो फ्यूज़ और कटआउट मैंने निकाले हैं उनको लगा के आता हूँ। आप जब तक बने रहिए इसके फोकस पे। जैसे मैं फ्यूज़ लगाऊंगा वैसे ये रेड से ग्रीन लाइट इसकी जलने लगेगी, है ना। ये तो था एक छोटा सा वीडियो जिसमें आज हमने आपको बताया कि किस तरीके से आप अपने जो यूपीएस को एज ए इन्वर्टर यूज़ कर सकते हैं अपने घर की जनरल लाइट में। आज की इस वीडियो में हमने दो कनेक्शन किए हैं, एक पंखे का और जो दूसरा है लाइट का। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और इस गर्मी में अगर आपकी लाइट जाती है और अगर आपके घर में यूपीएस है तो आप इस तरीके कनेक्शन करके थोड़ी राहत तो पा ही सकते हैं। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.